हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओटी टेक्नीशियन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे, तो मैं बताऊंगा स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ पे लगाई जाती है और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, और एज ए टेक्नीशियन या एज ए नर्सिंग स्टाफ इसमें आप क्या क्या प्रिपेयर करके चलेंगे, सामान क्या क्या लगेगा इसमें और इक्विपमेंट क्या क्या रेडी होने चाहिए आपके। दोस्तों, सबसे पहले अगर पेशेंट अंदर आ गया है तो आपकी जो वर्क स्टेशन है एनेस्थीसिया मशीन वो प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए, और आपकी जो ओटी टेबल है वो प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए, पोजिशन वगैरह उसमें सारी प्रॉपर काम करनी हो कर रही होगी वो चेक कर लेना आपने, चेक करना है। और उसके साथ साथ आपके पास सक्शन मशीन भी रेडी होनी चाहिए और कुछ इमरजेंसी ड्रग्स भी रेडी होनी चाहिए। ये आपकी प्रिपरेशन होगी स्पाइनल एनेस्थीसिया को देने के लिए, और फ्लूड वगैरह आर एल या एन एस कोई भी फ्लूड आपके बने हुए रेडी होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद और ये फिर ये जब रेडी है आपके पास, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ पे दी जाती है ये भी एक सवाल बनता है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो दी जाती है वो दी जाती है लंबर रीजन के अंदर दी जाती है, यानी सब अर्कनोइड स्पेस में दी जाती है, यानी L2 नंबर L2 L3 के साथ या फिर L3 L4 के बाद। वो अकॉर्डिंग द पेशेंट कंडीशन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ पे लगाना है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया की ड्रग्स कहाँ पे इंजेक्ट करनी है। दोस्तों, ये हो गया स्पाइनल एनेस्थीसिया कहाँ पे लगती है। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट वाली कि हम क्या क्या एज ए असिस्टेंट। तो सबसे पहले हमारे पास है कि ऑटोक्लेवेबल स्पाइनल सेट होना चाहिए। ये मैं आपको दिखाने के लिए एक रखा हुआ है, लेकिन ये ऑटोक्लेव होना चाहिए। ये सेट है, ट्रे होनी चाहिए विद लीड, इसके अंदर बाउल होनी चाहिए जो बीटाडीन के काम करेगी, जो बीटाडीन डाली जाएगी इसके अंदर, और एक किडनी ट्रे होनी चाहिए, ये किडनी ट्रे है, और कुछ गोश्त पीस होने चाहिए और स्पंज होल्डर होना चाहिए इसके अंदर, और निडल होल्डर ये इस ट्रे के अंदर होना चाहिए। और इसके साथ साथ एडिशनल में आप क्या क्या तैयार करके रखेंगे, तो सबसे पहले आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, सर्जिकल ग्लव्स होने चाहिए जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जिनको पहन के ये काम स्टाइल चीजें, क्योंकि प्रॉपर स्टाइल वे में होता है, तो ग्लव्स होने चाहिए स्टाइल। फिर आपके पास होनी चाहिए दो सिरिंजेस, 2 ml की, 2 ml और 5 ml की सिरिंजेस। अब इन सिरिंजेस का काम क्या है, सिरिंजेस इसलिए होनी चाहिए कि एक में 2 ml में लिग्नोकाइन प्लेन जो लोकलाइज करने का काम करेंगे, तो ये लोड करते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और इंजेक्शन एनाविन हैवी जो एनेस्थीसिया की स्पाइनल एनेस्थीसिया की ड्रग्स है इसको 5 ml में करेंगे एनाविन हैवी। ये दो ड्रग्स के हिसाब से दो सिरिंजेस आपकी रेडी होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है कट सीट की, आपके पास एक कट सीट होनी चाहिए, कट सीट आपकी ट्रॉली पर रेडी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास अगर ट्रे में गोज पीस कम है तो स्टाइल गोज पीस भी अलग से पैकेट में होने चाहिए, और स्पाइनल निडल होनी चाहिए आपके पास 25 नंबर की या 26 नंबर की, जो अकॉर्डिंग द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को कौन सी यूज करेंगे वो डिसाइड करेंगे, आप प्रिपेयर करके रखेंगे। और बीटाडीन भी होनी चाहिए और स्प्रिट स्वाब भी होनी चाहिए, ये वो आपकी ट्रॉली की प्रिपरेशन होगी। अब उसके साथ साथ अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दी गई है और पेशेंट की पोजीशन भी चेक हो गई है, तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो आपने कॉम्प्लिकेशन अगर होता है, सबसे पहले इसमें मेनली क्या देखा गया है, जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं बीपी फॉल होता है, यानी कि पेशेंट का हाइपोटेंशन होता है, और ब्रेडीकार्डिया हो सकता है कई कंडीशन में। तो आपके पास दो ड्रग्स हमेशा प्रॉपर रेडी होनी चाहिए जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया में बहुत जरूरी है, जो रखनी ही रखनी है। तो पहला होना चाहिए इंजेक्शन मेफेंटर्मिन और इंजेक्शन एट्रोपिन। अब इंजेक्शन एट्रोपिन का काम क्या है, अगर ब्रेडीकार्डिया हो रहा है तो इंजेक्शन एट्रोपिन दे सकते हैं, अगर बीपी फॉल हो रहा है और ज्यादा उसको अचानक से बीपी फॉल हुआ है तो इंजेक्शन मेफेंटर्मिन आपके पास रेडी होना चाहिए। वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उसको इंसर्ट करेंगे वो डिसाइड करेंगे उनको पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से वो कौन सी ड्रग्स देंगे। तो आपने ये चीज़ें रेडी रखनी है, ड्रग्स आपने बनाकर रेडी रखनी है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के गाइडेंस में सारी चीज़ें, ये स्पाइनल एनेस्थीसिया होगी ये पेशेंट, ठीक है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी वीडियो और भी कुछ चाहिए इस रिगार्डिंग है, ओटी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग है, लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उस पर भी बनाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच।